IPL 2024 में भैया हमारी चेन्नई की पहली बिड़ंत आरसीबी वालों से होने वाली है और काफी लंबे समय के बाद IPL की मोस्ट पॉपुलर है दोनों टीमें उद्घाटन मुकाबले में आमने सामने होगी, जो कि काफी रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन भैया सीजन से पहले जो हर बार चेन्नई के साथ होता है वो इस सीजन से पहले ही शुरू हो चुका है, यानी कि दुर्घटनाएं चेन्नई के साथ घटित होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि चेन्नई इस समय बड़ी मुसीबतों का सामना करने में लगी है, क्योंकि चेन्नई के चार दिग्गज खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से मैदान से बाहर बैठने पर मजबूर है और ये माजरा चेन्नई को मुश्किल में भी डाल सकता है। और काफी रिसर्च करने के बाद हम इस पूरी वीडियो में इन चारों खिलाड़ियों की इंजरी की अपडेट से आपको रूबरू कराने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद हम नई वीडियो में आरसीबी पर हमला करते हुए चेन्नई की IPL 2024 की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों IPL 2024 22 मार्च से शुरू होने वाला है, यानी कि लगभग 20 दिन बाद IPL का महाकुंभ शुरू हो जाएगा और चेन्नई वाले एक बार फिर इस कुंभ में गोता लगाकर छठी बार ट्रॉफी ढूंढने के इरादे से तहलका मचाने के लिए तैयार है। लेकिन सीजन शुरू होने से पहले राहुल और केतु ने एक बार फिर चेन्नई की कुंडली बिगाड़ने की कोशिश की है और चार दिग्गज खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबर आने से चेन्नई का माहौल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका है। आखिर कौन से वे चार दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनके सीजन से पहले दर्द भरे गाने शुरू हो चुके, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई के भरोसेमंद ओपनर खिलाड़ी डीवोन कॉनवे की, जो कि दोस्तों अपने दाएं हाथ के अंगूठे की इंजरी को लेकर परेशानी में मौजूद है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं। और चेन्नई के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि डीवोन कॉनवे के फिट होने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डीवोन कॉनवे 22 मार्च को आरसीबी की पुंगी बजाने नहीं आएंगे। हालांकि चेन्नई के प्रैक्टिस सेशन से जरूर डीवोन कॉनवे दूर रह सकते हैं, यानी कि मित्रों 22 मार्च से पहले डीवोन कॉनवे मैदान पर वापसी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों रचिन रविंद्र को लेकर सामने आई है और रचिन रविंद्र भी चोटिल होने की वजह से क्रिकेट से दूर है, जो जल्दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी कर सकते हैं, जो कि मामूली चोट की वजह से एक मुकाबले से बाहर हो चुके थे। जबकि दोस्तों तीसरे खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे भी चोटिल होने की वजह से रणजी ट्रॉफी 2024 से बाहर हो चुके हैं, जो कि चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। शिवम दुबे मुंबई और असम के रणजी मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे, जो लगभग 1 हफ्ते के बाद ही पूरी तरह फिट हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई के घातक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के सिर में चोट आने की वजह से रहमान भी चोटिल होकर क्रिकेट के मैदान से दूर है, जो कि बांग्लादेशी प्रीमियर लीग में सिर में गेंद लगने की वजह से काफी परेशानी में मौजूद थे, जिनकी मैदान पर वापसी 2 से 3 हफ्ते के बाद ही हो पाएगी। और मुस्तफिजुर रहमान IPL 2024 के शुरुआती मुकाबले मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों IPL 2024 से पहले चेन्नई के चार दिग्गज खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से क्रिकेट के मैदानों से दूर है और IPL 2024 से पहले एक खिलाड़ी फिट होकर जल्दी मैदान पर वापसी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप 22 मार्च को होने वाले चेन्नई और बेंगलोर के हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हां, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।